राधे राधे दोस्तों, आज आपको नई टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ आपको ये बताने के लिए चाह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं क्या है। तो इसे कुछ लोग काई समझते हैं और कुछ लोग ये हरे हरे घास है। दोस्तों ये इसका साइज जो है यही रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, पर हमारे जिस भी जगह में होता है तो ये धीरे धीरे फिसलन कर देता है। अब कुछ लोग इसे निकाल देते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं, पर यदि आप ये चीज़ जानेंगे कि हमारे पौधे के लिए ये विटामिन है, ये कुदरती देन है, जो इसे हम यदि निकाल कर पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो जो मार्केट का हम खाद लेकर आते हैं उससे कई गुना ये ज़्यादा उपयोगी है और एक तरह से हमारे पौधे के लिए ये विटामिन है। दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि यदि आपके आंगन में या दीवारों में इस तरह से हो जाता है तो इसे निकाल लें, निकाल कर आप इसको जब वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उसके साथ में मिला दें, या इसका फर्टिलाइजर बना के अपने पौधे में दें, या इसे सुखा कर प्लास्टिक में रखें। जिस तरह से एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट गमले में देते हैं तो बिल्कुल उस तरह से आप दे सकते हैं। ये केवल बरसात के ही दिन पाया जाता है, तो इसे आप उखाड़ कर मत फेंकें, इसे बहुत ही आसानी से निकालने के बाद आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि यदि इस तरह से हमारा ये जो घास है इसे जल्दी हम निकाल नहीं पाते, यदि निकालना है तो थोड़ा देरी पहले आप क्या करें, इसके ऊपर चूना का छिड़काव कर दें। फिर आप देखेंगे इस तरह से, यदि आप करते हैं इस तरह से खुरपी के सहारे से करते हैं, ऐसे तो हमें निकालना है इस तरह से, देखिए किस तरह से आसानी से निकल गया है। इस तरह से हमें निकालना है और आपको लग रहा है कि हमारे आंगन में बहुत सारा हो चुका है, हम इस तरह से कितना मेहनत करेंगे, तो थोड़ा बहुत इस तरह से आप निकाल लें। निकालने के बाद इसमें चूना का छिड़काव कर दें। चूना का जब छिड़काव करेंगे तो ये खुद पर खुद झाड़ू के सहारे, नारियल का जब झाड़ू आता है उसके सहारे से, जो नारियल का झाड़ू हमारा छोटा हो जाता है तो वो क्या होता है, एक तार का जैसा हो जाता है, उससे आप बहाड़ेंगे तो आसानी से ये अपना पकड़ छोड़ देगा। तो आप इसे क्या करेंगे, फेंकना नहीं है, कभी भी आपका हो जाता है तो इसे फेंकना नहीं है। जिस तरह से इसमें बिना खाद का, बिना केवल बरसात का पानी से ये पनपता है और इसमें कई तरह का बैक्टीरिया जो होता है, गुड बैक्टीरिया जो होता है, हमारे पौधे के लिए अमृत साबित होता है। तो इसे हम अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं, साल में एक बार अपने पौधे में विटामिन जरूर देते हैं। यदि आपके गमले में किसी भी तरह से आप खाद डाल रहे हैं, वो खाद आपका काम नहीं कर रहा है, इसे डालकर देखें तो क्या होगा कि मरा हुआ भी पौधा ये विटामिन घास से जिंदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही गुड बैक्टीरिया है। जो जब भी इसे देते हैं तो एक तरह से समझिए तो ये कैप्सूल का काम करता है, जो आपके अन्य खाद से नहीं काम करता है। तो इसे भी साल में एक बार प्लास्टिक में पैक करके रखें और उस पौधा में जो दें, जिस पौधा में बहुत ही कमजोरी है, जिसमें फूल नहीं आता है, जो पौधा कितना भी काम कर ले पर विटामिन उसमें मिलता ही नहीं है, तो उस तरह से आप एक मुट्ठी करके इससे दें और उखाड़ कर आप प्लास्टिक में बंद करके रख देंगे तो कम से कम यदि 6 महीने पुराना हो जाता है तो और भी ज़्यादा काम करता है। और ताज़ा ताज़ी देने के लिए इसे कैसे देना है, अभी हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, फिर बताएंगे कि हम गमले में इसे कैसे देंगे। इस तरह से थोड़ा सा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे गमले की ओर। हम इसे बाद में निकालेंगे, अभी हम थोड़ा सा आपको देखकर बता देते हैं कि इसे किस तरह से दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला बात कि आप हमारे गुलाब का पौधा देखें, ये है बटम गुलाब, और ये बटम गुलाब हम कहते हैं ना कि जो 100 से अधिक फूल दे, तो आप देख सकते हैं हमारे गमले में 100 से अधिक फूल है, पत्तियां से ज़्यादा हमारे गमले में फूल नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा जानकारी रखते हैं ऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक पर आएंगे आप तो ये पौधा आपको फूल भी उतना ही देगा, जितना आप केमिकल, यदि आप केमिकल मार्केट से लाकर पौधे में देते हैं तो उसके बारे में उतना आपको जानकारी नहीं होता है, और अपने पौधे में देकर अपने पौधे को धीरे धीरे आप मरने की ओर ले जाते हैं और उतना अच्छा उसमें रिजल्ट नहीं आता है। तो हमारे वीडियो में आप नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो लेकर आते हैं सारा ऑर्गेनिक लेकर आते हैं, ताकि आप कम ज़्यादा भी डालेंगे तो उससे आपके पौधे में कोई नुकसान नहीं होगा। और जो मार्केट का, आप मार्केट के भरोसे से आप अपने पौधे में देते हैं तो देखते होंगे बार बार आपका पौधा कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता होगा, कभी पत्तियां पीला पड़ जाता होगा, कभी कली गिर जाता होगा। तो इस तरह से बाहर का जो केमिकल खाद है, उतना जानकारी नहीं होने के कारण से हर कोई पौधे को मार डालता है। अब हम यहाँ पर लेके आए हैं हरे घास, तो यहाँ हरे घास हमें कैसे देना है, और ये गुलाब में देंगे, ये जो देसी गुलाब है इसमें देख रहे हैं एक भी कली नहीं है, तो इसी में हम देंगे। और इस तरह से आपके घर में पौधा हो तो आपको करना क्या है, इसमें मिलाना क्या क्या है, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। इसमें मिलाने का है चूना,
एक चम्मच है तो मिलाइए, नहीं तो एक चम्मच हल्दी मिलाइए। ये भी नहीं है तो फंगीसाइड होता है, क्योंकि इसमें हम आदि ऐसे ही दे देंगे तो इसमें जो गुड बैक्टीरिया है वो तो हमारे पौधे के लिए ठीक है, एक नुकसानदायक बैक्टीरिया होता है जो हमारे जड़ों को खाता है, धीरे धीरे हमारे जड़ों को खाता है, तो हम इस तरह से नहीं देंगे। क्या क्या देना है, हल्दी या चूना नहीं है तो अब यहाँ पर हम जो देने वाले हैं, यहाँ पर जो हम देने वाले हैं, आप देखें किस तरह से हम ऑर्गेनिक की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये है हमारे ठंडे के समय में लकड़ी का राख, जब भी हम जलाते थे तो इसे डब्बे में भर कर रखते थे। अब हमें क्या करना है, इसमें देना है, इतना ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये तो आप माने कि यदि मार्केट का जो खाद है बिल्कुल खाद का ही काम करता है, हमें इतना ही एक चम्मच की बड़ी चम्मच की मात्रा से देना है, इसे ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा दीजिएगा तो आपका पौधा में नुकसान होगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है DAP, और बरसात की वजह से हम अपने बग्गे में ही ये सारा सामान रखते हैं और ये भींग चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं, निकालने के बाद इसमें डालेंगे। तो देखें किस तरह से हम DAP जो है इसे निकाल लिए हैं और निकालने के बाद इसमें मिला देंगे। यदि आप इसमें हल्दी, लकड़ी का राख इस तरह से मिलाकर अपने पौधे में देते हैं तो आपका पौधा जो है, इसमें हमारा आप देख सकते हैं फूल नहीं आ रहा है, यही चीज़ हम इसमें उपयोग किए हैं, जो देख सकते हैं बटम रोज कितना सारा फूल हो रहा है। तो इसे देना कैसे है, इस तरह से हम जब मिला लिए, मिलाने के बाद आप सोचेंगे हमारे गमले में भी हरे हरे घास हो जाएगा, तो ये जो लकड़ी का राख दिए हैं ये हमारा पौधा को धीरे धीरे डिकम्पोज कर देगा। लकड़ी के राख में इतना तासीर होता है कि जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा से होता है, और ये घास जो है, ये घास हमारे पौधे के लिए जीवनदान होता है। जैसे कि कोई भी पौधा में फूल नहीं आ रहा है, ये देखिए जड़ बाहर आ चुका है, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से कुड़ाई कर लें। कभी भी कोई भी खाद दें तो कुड़ाई ज़रूरी है करना। कुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी हमारा बैठ जाता है, तो मिट्टी नीचे ऊपर करने से हमारा मिट्टी भी ढीला हो जाता है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है, लेवल जो है बढ़ जाता है इस तरह से। और ये खाद आप, ये जो घास है, किसी भी पौधे में बेझिझक दें। कभी भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बोलें, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हम हमेशा ऑर्गेनिक ही बताते हैं, ऑर्गेनिक में कभी भी कोई पौधा नहीं मरता है। इस तरह से हमें क्या करना है, और ऑर्गेनिक में क्या होता है कि अनेक तरह का विटामिन पाया जाता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने गमले की किनारे किनारे इस तरह से देंगे। इस तरह से देने के बाद हम इसके ऊपर मिट्टी देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जड़ों में ढांके हैं, जड़ हमारा बाहर आ गया था, तो इसके ऊपर या तो गोबर खाद दे दें या तो मिट्टी दे दें, अच्छा से भर दें। फिर इसमें आप देखेंगे फूल जो इसका, ये जो ग्रोथ देख रहे हैं, ग्रोथ के ही साथ कली लेकर आएगा, और आप मात्र 15 दिन इंतज़ार करें, बिल्कुल इस तरह से कली बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मिट्टी देंगे और थोड़ा सा पानी दे देंगे, और ये आपके गमले में घास नहीं पनपेगा। ये धीरे 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 क्या होगा, जब मिट्टी हम भर देंगे इसके ऊपर तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और ये हरे हरे घास नहीं होगा, और हमारा जहाँ पक्का में इस तरह से लग रहा है, पक्का भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। पर इस तरह से कभी भी हरे घास देखें तो इसे फेंकने का गलती ना करें, इसे धीरे धीरे इस तरह से यदि आप चाहें तो डब्बे में भर कर रख लें। ये हमारे घर में हमारे पौधे के लिए ये कैप्सूल का काम करता है, विटामिन का काम करता है, ये ऑर्गेनिक हमारे पौधे के लिए टॉनिक है। तो ये जानकारी हमारा दोस्तों, कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।